हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बहुत ही यूनिक सा चीज़ बताने जा रही हूँ जो आप इजीली अपने घर पे आराम से बना सकते हैं, और इसमें कुछ भी हमारा ख़रीदा हुआ चीज़ नहीं लगा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये माइक्रोवेव का कवर बनाया हुआ है जो कि बहुत 2 मिनट में आप इजीली, ये मेरा चैलेंज है फ्रेंड्स, बना सकते हो। इसको बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पुरानी समझ थी जिसकी मैंने सिंपल यहाँ तक कटिंग कर ली है, और इसमें देखिए फ्रेंड रेशमी धागे की कढ़ाई की हुई है। और पहले आपने अपने माइक्रोवेव का माप लेना है, फिर उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आपने उसको कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, ये सब तो मैंने फ्लावर्स ऐसे जो बनाए थे आप लोग को बताया है, वो मैंने यहाँ पे यूज करना है। कटिंग करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा, ये देखिए लैश टाइप का ये दुपट्टे का बचा हुआ था, तो इसको मैंने देखिए यहाँ पे यहाँ से सीधे स्टिचिंग कर ली है कटिंग करके। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे पॉकेट बना दिया है, ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने 4 पॉकेट बना दिया है। पॉकेट इसलिए बनाया फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे मशीन सिलाई मशीन का कवर भी बना सकते हैं, फ्रिज का कवर सिर्फ ऊपर के लिए, एंड माइक्रोवेव की ये फुल साइज़ है। तो आपने देखी माइक्रोवेव के कवर पे, मतलब ये जब हमारा साइड में आएगा तो आपने कुछ भी किचन से रिलेटिव, माइक्रोवेव से रिलेटिव उसमें चीज़ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉकेट लगा दिया। पॉकेट बनाना बहुत ही ईजी है। पहले देखिए, आपने एक लंबी स्ट्रिप ले लेनी है, उसके बाद मैंने ये सिलाई किया, फिर ये सिलाई किया साइड साइड से, उसके बाद सिंपल सी मैंने यहाँ पे 4 बराबर भागों में इसको बांट लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग को कढ़ाई बुनाई से रिलेटिव चीज़ सिलाई मशीन के लिए बनाना है तो हम यहाँ पे कोई भी चीज़ रख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा हमारा कवर है ये, ये देखिए आपने कवर में, ये देखिए आप कवर में कोई भी चीज़, नेल पेंट वगैरह और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे ये देखिए सिलाई से बाइबिन और ये सीजर वगैरह, देखिए छोटी कैंची, हमने कुछ भी यहाँ पे देखिए हम रख सकते हैं। इसलिए हम पॉकेट ज़रूर बनाते हैं। किसी भी चीज़ का आप कवर बनाएं तो पॉकेट ज़रूर बनाएं। किसी भी अगर आप फ्रिज का ही बना रहे हैं तो पॉकेट बना देंगे तो उसमें हम कोई भी चीज़, चक्कू वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए एक कवर हमारा बचा है, तो इसमें हम ऐसे यहाँ पे मैंने ये क्रीम डाल दी, तो ऐसे ही आपने बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा है और कितना इजी है। उसके बाद आपने क्या करना फ्रेंड्स, एक फ्लावर लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लावर ले लिया है, ये रेडीमेड आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप कोई भी यहाँ पे बस बीच में कोई भी फ्लावर आप घर से ऊल का भी बना के रख सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। और नहीं तो इसमें इतनी कढ़ाई होती है फ्रेंड्स, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास सूट का सिंपल कपड़ा हो प्रिंट में, वो भी चलेगा। तो उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपने साइड साइड में यहाँ पे लेस वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं, सिंपल है इसकी स्टिचिंग। और ये फ्लावर मैंने आप लोग को कई बार बनाना बताया है, तो आपने इस पर ज़रूर लगाना है फ्रेंड्स। इसके लगाने से इसका लुक एकदम चेंज हो जाता है और ये रेडीमेड जैसा दिखता है, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। आप लोग ऐसे ज़रूर इसको बनाएं। और एक ये जो मैंने कॉम से आप लोग को फ्लावर बनाना बताया था, कंघी से, अब देखिए फ्रेंड्स ये कितना प्यारा लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने आप लोग को फ्रिज कवर बताया है, आप इसे या सिलाई कवर, सिलाई मशीन का कवर, माइक्रोवेव या फ्रिज, किसी भी कवर पे इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अपने हिसाब से आपने फ्रिज की लंबाई लेनी है, उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।